MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के स्पोर्ट बोर्ड पर कबड्डी टीम ले जाने पर मिली भगत का आरोप। दो दिन से स्पोर्ट्स बोर्ड के चक्कर लगा रहे हैं खिलाड़ी, लेकिन अभी तक टीम की स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहा है बोर्ड। छात्र नेता गोदारा का आरोप, स्पोर्ट्स सचिव कभी भी कुर्सी पर नहीं रहते उपलब्ध। खिलाड़ियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन दिखाई दे रहा है उदासीन। कितने बच्चे ऐसे हैं बता रहे हैं? आप सर, मतलब सर ने बोला था कि आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करा के आना है, तो जो ये तो कागज है 12 ने बोला था कि वापिस नहीं, वहाँ पे जो अपन ने सिलेक्शन करके यहाँ के ऊपर लाया, तो अच्छे बच्चे आए ना अपने पास, आए नहीं है अपनी जगह बना सकता हूँ। अपने जो आदित्य था और वो दूसरे कुचामन एजुकेशन के थे, वो भी तो कितना नंबर, 7 या 8 नंबर बार बैठे। अरे कुचामन वाला तो फर्जीवाड़ा कर रखा है पूरा ही, मैं तो उसने तो बाहर से लाला कि मैं कुछ भी फिल्म बोर्ड पर छोड़ो कुचामन बोले थी, वो आप मेरे को तो मैं एक तरीके से जानता हूं वो वाला है एजुकेशन, मैं पूरी एक तरीके से जानता हूं उधर के, मैं खुद ही वहीं रहने वाला हूं। ठीक है, ये बाहर से बुला के मतलब अपने यहां के खुद अपनी कॉलेज का नाम करने के लिए, जो वाकई एलिजिबल है, वाकई एलिजिबल है उनका होना चाहिए ना वो वाला, कल कबड्डी की टीम के सेलेक्ट के लिए बच्चों को मतलब यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा इनको 3-3, 4-4 दिन के लिए बुलाया जाता है, जबकि इनका 7 दिन के कैंप के लिए बुलाया हुआ है, ना तो 7 दिन का कैंप होता है, 1 दिन के लिए इनको बुलाया जाता है। जब मैं यूनिवर्सिटी प्रशासन स्पोर्ट्स सेक्रेटरी और इनसे मैं कहना चाहता हूँ, यदि आपको किसी टीम में 12 लड़कों को भी भेजना है तो आप 20 लड़कों का पहले सेलेक्ट क्यों करते हो? जब 12 जब वहाँ टूर्नामेंट कॉलेज के अंदर चलती है तो उसके अंदर ऑब्जर्वर होते हैं और बाकी 10-15 जनों की कमेटी होती है, वो अच्छे प्लेयर को सिलेक्ट नहीं कर पाती, तो फिर यूनिवर्सिटी के 2 स्पोर्ट्स सेक्रेटरी और कोच ही या वो इंटरनेशनल प्लेयर है, या वो 2 ही सेलेक्ट करते हैं, मतलब इन 20 में से 12 ये बच्चे जाएंगे ना, तो बच्चों को सोचना रहती है इसकी, ना कोई ये इनका कैंप होता है, अपनी मनमर्जी से अपने मिलने वालों को मिली भगत के अनुसार उनको भेजा जाता है। ये 2-3 बार पहले भी हुआ था, जिसकी पुणे ट्रायल किया था हॉकी का, और ये बार बार पुनरावृत्ति ऐसी चीज़ों की होती है, तो मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ, यदि जल्द इन चीज़ों का समाधान नहीं हुआ तो छात्र संघ मतलब उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। वगैरह सब बढ़िया दिए सर, और जो लो लेवल का प्लेयर है सर उसको लेकर जा रहे सर, लेना ही नहीं आता आपसे मतलब, और चांस भी कम दे रहे थे, और सर हमसे जो लो लेवल का प्लेयर उसको लेके आते हैं सर, बस ये नाम है कि वो हरियाणा का, इसलिए सर बस इसलिए। अच्छा, कौन कर रहा है सब कुछ मामला? तो सर अभी लिस्ट तो आई नहीं है सर, लेकिन जो फर्स्ट लिस्ट आई है उसमें ये बता रहे हैं नाम नहीं है। समस्या है, समस्या ये है सर कि इंटर यूनिवर्सिटी की कबड्डी टीम सेलेक्ट हुई है आज, और हम कैंप के अंदर 20 के अंदर साथ में थे बच्चों के, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। हम प्लेयर हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे से अच्छा प्लेयर जाए और हमारे से बुरा प्लेयर वहाँ नहीं जाए टीम के साथ, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो अभी आप लोगों को क्या बोल रहे हैं? अभी बोल रहे हैं लिस्ट निकालेंगे, और पता नहीं कब निकालेंगे या निकाल दिए, मालूम नहीं चला है। तो कितने दिन का कैंप लगाया ट्रायल का? 2 दिन का सर, पहले डॉक्यूमेंट चेक करने के हिसाब से बुलाया था, और कुछ कपड़े कुछ लेके नहीं आए थे, किट इट पैसे नहीं लेके आए थे, किराए लेके आए थे सिर्फ, तो 2-3 दिन से एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। कहाँ से आए हो आप? कुछ और से।